वेलकम गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग में आ गए हम, खेती बाड़ी वाला ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए। हम लोगों के पास बजट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो कहीं दूर जाके ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से आज खेत पे आ गए हम अपने, जहाँ पे धान की कटाई हम आप लोगों को दिखाए थे वहीं पे हम लोग खेत में सरसों की बुआई किए हैं। तो आज आए हैं सरसों का निरीक्षण करने हम और आदित्य, वो पीछे है बाइक पे, वो भी अपने साथ आया है आज। तो सरसों वरसों लगाई गई है खेत पे, उसी का निरीक्षण करने आए, तो उसमें पानी वानी भी देना होगा। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हमारे जितने भी व्यूअर हैं, मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और हमारे ब्लॉग को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। तो अभी चलते चलते हम लोग खेत में आगे जा रहे हैं। तो सरसों अभी बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं पेड़ काफ़ी छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने मटर भी लगवाया था, और मटर तो अभी काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, खेत में हो गए हैं पौधे मटर के, तो हरे भरे दिख रहे हैं। और बाकी पूरा ये खेत ऐसा ही है, अभी पूरा टकला जैसा दिख रहा है, अभी पूरा हरा तो है नहीं, पूरा टकलों जैसा हो गया है खेत की हालत। तो यहाँ से फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट खेत पे, वहाँ पे कुछ जगह पे आलू लगाया गया है और कुछ है, तो चलते हैं देखते हैं आलू की खेत कैसी हुई है। वहाँ पे भी पानी देना हम लोगों को, तो बेसिकली डैड आज भेजे थे हम लोगों को पता करने के लिए कि जाओ देख के आओ खेत कैसा क्या हाल है, पानी वानी देने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है गाइज, तो गाइज हम लोग अब दूसरे वाले खेत पे जा रहे हैं और आदित्य गाड़ी चला रहा है, डर तो लग ही रहा है क्योंकि ये पिछली बार जब गाड़ी चला रहा था तो दो बार उठा के पटक दिया था गाड़ी के साथ हमको, तो आज फिर से ये गाड़ी चला रहा है, देखते हैं फिर पटकता है कि नहीं। एक चढ़ाई टाइप की है, रोड तो अच्छे होते नहीं है खेत के, चकबंदी टाइप की रोड होती है, पता ही है आप लोगों को, पगडंडियाँ हैं ये खेत की जितने भी रोड हैं। और आज हम लोग अपनी पुरानी गाड़ी लेके आए हैं अपने डैड की, तो उसी से जा रहे हैं हम लोग खेत। अब आगे की चढ़ाई है, आगे देखते चढ़ा लेता है कि गिरा लेता है हम लोगों को, और ये इसने चढ़ा तो लिया अच्छे से। चलिए हम लोग अभी मेन रोड पे आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग अगले खेत में, आप चल के दिखाते हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं फिर से अपने आलू वाले खेत में, और ये पीछे आलू लगी है, पूरी की पूरी आलू है। चलते हैं आलू का खेत देखते हैं हम लोग आज। आदित्य आओ, तुम भी आओगे? ये है आलू की खेत, यहाँ पे भी आलू लगाए थे हम लोग, और इसमें जगह जगह पे मूली भी लगवाए थे। तो आलू के खेत पे हम लोग आ चुके हैं। आई थिंक आलू अभी हुए नहीं है, लगाए हैं अभी एक महीने हुआ था आलू। आलू के पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, और रोड ऐसी है कि चलने में दिक्कत आ रही है गाइस, पता नहीं कैसे कैसे करके चल रहे हैं हम भी खेतों में। ये आलू है, एक आलू का पेड़ शायद ख़राब होने वाला है। तो हम आप लोगों को आलू कुरेद के अपने खेत की दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े हुए हैं आलू गाइस। गाइस ये है आलू का पूरा खेत मेरा, और ये एक आलू का पेड़ है, इसको हम कुरेद के देखते हैं कि आलू हुए हैं कि नहीं हुए हैं इसके अंदर। गाइस आलू हो गए हैं, आलू दिख रहे हैं हम लोगों को, ये आप देख सकते हैं ये आलू ही है गाइस, ये आलू हो चुका है, अभी खाने लायक नहीं हुआ है, अभी थोड़े छोटे छोटे हैं, जिनको हम ढक देते हैं फिर से। और अगला खेत ये हम लोगों का है गाइस, इसमें चने लगवाए थे हम लोग, तो ये चने भी हो चुके हैं थोड़े थोड़े बड़े बड़े, और ये भी पूरा खेत टकला ही है गाइस। ये पीछे का भी जो खेत आप देख रहे हैं पीछे का, ये भी टकला है, लेकिन आलू हम लोगों के लगभग लगभग होने ही वाले हैं, 10-15 दिनों में हो जाएगी आलू, और पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ की मिट्टी अभी नरम थी, हमने उंगली से ही खोद के निकाल दिया था आलू, तो अभी यहाँ पे पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस। तो चलिए अभी तो बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम लोग लंबा ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं अच्छी जगहों पे, तो अभी जैसे ही अपने पास बजट होता है तो फिर एक नया ब्लॉग लेके आते हैं हम आप लोगों के सामने। और गाइस बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स ज़रा कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को। बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहें, कुशल मंगल खुशहाल सब रहें।